फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल कल्नरी आर्ट एंड रिसर्च। मैं सेफ ऋषभ कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्नरी आर्ट एंड रिसर्च में स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हज द अर्सेस चैप्टर 22। इसके पहले अगर आपने चैप्टर 22 का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आप जाके चैनल पे कल्नरी आर्ट रिसर्च, चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। इसका जो गार्निश होता है इसमें जो कंबाइंड चीजें होती हैं, जो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंबाइंड करते हैं गार्निश में यूज करते हैं, कैनोपीस में फिश है, मीट है, बॉयल्ड एग है, चीज भी है। पहला क्या है, ये फिश है, पूरा फिश मैंने मेंशन किया है, इसको एक बार देख लेना। अदर में क्या है, चीज है और मीट है। अब हम जानते हैं कॉकटेल्स के बारे में। कॉकटेल्स क्या होते हैं, कॉकटेल्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिक्स विद द फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस। जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जो लोग पीते हैं, अगर इसको हम अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो कॉकटेल ऑर्डर करते हैं जिसमें फ्रूट का जूस भी ऐड होता है, वेजिटेबल का जूस भी ऐड होता है। जो कुछ कॉकटेल्स रेसिपी है जो सी फूड में यूज करते हैं, ऑयस्टर एंड क्लैम ऑन द हाफ शेल्स, क्रीम क्रैब मीट, लॉबस्टर एंड कॉर्नफ्लेक्स व्हाइट। इसमें क्या होता है, दो टाइप्स का फूड होता है। पहला होता है रॉ वेजिटेबल। रॉ वेजिटेबल मीन्स जो कच्चा सब्जी होता है वो होता है पिक्ड वेजिटेबल। इसको हम कैसे सर्व करते हैं, जो रॉ वेजिटेबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको डीप के साथ सर्व करते हैं। और रॉ वेजिटेबल जो होता है इसको हम क्रिस्पी और वेल चिल्ड भी सर्व करते हैं, एंड मोस्ट अट्रैक्टिव वेजिटेबल पॉसिबल। आर अलीज नंबर ऑफ पिकल फूड्स आर ऑफर्ड इंक्लूडिंग डिल, कोकुम्बर, पिकल्स, जर्किंस, ऑलिव्स, वाटरमेलन, पेपर्स, स्पाइसी बीट, अदर प्रिजर्व वेजिटेबल। एंड ये सब क्या करते हैं, ये जितना भी होता है रिल्स को हम चिल्ड सर्व करते, ठंडा सर्व करते। हम जानते हैं डिप्स के बारे में, डिप्स क्या होता है। देखो डिप हम यूज करते हैं जैसे मैनिश है, और अगर आप अरबिक में जाते हैं तो आपको हमुश है, हमुश भी आपका एक डिप है। लेकिन अगर आप ये सर्व कर रहे हैं तो उसको एक क्या है, उसका जो कंसिस्टेंसी है उसको ध्यान में रखना है कि कंसिस्टेंसी उसका कहीं खराब तो नहीं है। और जब उसको बना रहे हो तो वो इनफ मात्रा में क्या होता है ना, वो थोड़ा जो डीप होता है वो होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। जब उसका राइट कंसिस्टेंसी होगा ना तो उसका थिकनेस भी के साथ उसको हम सर्व कर सकते हैं, थिकनेस में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम उसको चिलर में रहते हो ज्यादा थिकर हो जाता है, जिस हिसाब से आप बनाना कभी भी। हाज देर से जो विजिटर होते हैं, जो लोग आते हैं रेस्टोरेंट में होटल में, जो लोग अपने हाथ में वाइन ग्लास या कॉकटेल ग्लास उंगली से खाते हैं हज दिवस से होता है, और या तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम टूथपिक से भी खा सकते हैं, या तो अगर उन्हें खाने की जो हम लोग का टेबल होता है, डाइनिंग टेबल होता है या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अच्छे से सजा के दोगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। लोगों से आपको कोई भी चीजें अच्छी देखेंगे तो आप सोचोगे मैं कितना खा लूं। और ज्यादातर लोग उसको हाथ से खाना चाहते हैं या फिर टूथपिक। एलिमेंट्स कंसिस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग करद मिर्च, सी फूड टर्न आइटम, चीज, हार्ड कुक एंड स्टव एग, रिलेस, मशरूम एंड वेजिटेबल, कुक ड्राई बीन्स एंड अदर फॉर्म वेजिटेबल। इनको क्या करते हैं कि लोग यूज करते हैं उसमें, कभी कोई कई जो वेजिटेबल होता है उसमें विनीग्रेट भी मिला थोड़ा सा सावनेस के लिए। अब हम लोग जाते हैं प्रोसेटा के बारे में। ठीक, क्या होता है, एक स्लाइस ब्रेड होती है, स्लाइस ब्रेड ले लो आप, जैसा आपको मतलब शेप आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से। उस पे गार्लिक लगा सकते हैं हम लोग, ऑलिव ऑयल हो गया, या तो फिर हम उन गार्लिक ब्रेड भी ले सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर गार्निश इज ऑयल एंड सीजनिंग ब्लेंड ऑफ चॉप फ्रेश टोमेटोस। या तो हम थोड़ा सा टोमेटो ले लेंगे, चॉप करेंगे उसको, और उसको भी डाल सकते हैं, या मीट डाल सकते हैं, चीज डाल सकते हैं, ये भी एपेटाइजर ही होता है एक तरीके। A little snacks item is typically seen as saffron and bass that are mean to consume with wine or other beverages। ये जो होता है तपा, जो होता है छोटा सा होता है, ज्यादातर जो बार में सर्व करते हैं। स्पेनिश वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ट्रांसलेट फ्रॉम स्पेनिश द वर्ड मीन्स अ lid, the original tapa is said to have been a thin serving of food, possible a slice of curd, ham set or glass of। हम जाते हैं कैवियर के बारे में। कैवियर जो होता है स्टर्जन होता है, इसको जो सॉल्टेड होता है ना, इसको रो या एक नाम से भी जानते हैं। जो सोर्सेस है स्टर्जन का वो यूनाइटेड या कनाडा में मिलता है। अदर फिश है का रो क्लियरली उसका लेबल होता है ना, वो फिश का रो होता है वो क्लियरली लेबल होता है। एग्जाम्पल में व्हाइट फिश एंड कैवियर। और जो स्टर्जन का जो नेम है वो कैवियर को दिया जाता है, स्टर्जन का जो नेम है वो ज्यादातर कैवियर को दिया जाता है। नॉर्मली बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे कभी हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा, तो उसको गेस्ट को प्रभावित करने के लिए जाते हैं कि मतलब शेफ लेके आ रहे हैं, तो उसका कंप्लेंट वैसे ही जीरो हो जाता है। वो सोचता है कि छोड़ो जाने दो, हो जाता है, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। प्रोवाइड आइदर बिफोर और आफ्टर यूजर मेक टू मेनू सिलेक्शन। एम्बुशे मेड ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट कैन बी सर्व
इन अ वेरी लिटिल मेजर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बने रहें। फॉर वॉचिंग।